सीमा पार करने वाला प्यार इन दिनों खूब चर्चा में है। पाकिस्तान की सीमा लांघकर आई सीमा हैदर की कहानी का अभी अंत भी नहीं हुआ था कि अंजू नाम की एक महिला पाकिस्तान पहुंच गई। अंजू अपने पति अरविंद को छोड़कर पाकिस्तान चली गई है और उसने नसरुल्ला नाम के शख्स से शादी कर ली है। अंजू के हिंदुस्तान में दो बच्चे हैं जो अब बिना माँ के हो गए हैं। अंजू के पाकिस्तान जाने के बाद पति अरविंद का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि अंजू ने दावा किया था कि उसका तलाक होने वाला है और मामला कोर्ट में है। वह इस मामले में पति अरविंद का कहना है कि आज तक उसे इस मामले में अदालत से कोई नोटिस नहीं मिला है। मीडिया से बातचीत के दौरान अरविंद ने कहा कि अंजू ने 3 साल पहले तलाक के कागजात दिल्ली में जमा किए थे, लेकिन मुझे कोर्ट की ओर से अभी तक कोई नोटिस नहीं मिला है। कागजों में वह अब भी मेरी पत्नी है। कानून के अनुसार अब वह भी विवाहित है। ऐसे में वह किसी और से शादी नहीं कर सकती। सरकार को इस मामले में जांच करानी चाहिए। इसके साथ ही अरविंद का कहना है कि सरकार को उसके दस्तावेजों की भी जांच करनी चाहिए। पता नहीं पाकिस्तान जाने के लिए उसने कौन से फर्जी दस्तावेज दिए हैं। दस्तावेजों की जांच के अलावा अरविंद ने सरकार से गुजारिश की है कि अंजू के पासपोर्ट को रद्द कर देना चाहिए। जैसे ही वो भारत वापस लौटेगी वह उसके खिलाफ FIR दर्ज कराएगा। जानकारी के लिए बता दें कि अंजू राजस्थान में रहती थी। उसके पति को पाकिस्तान जाने के बाद जानकारी दी गई कि वो अपने दोस्त के घर जयपुर आई है, लेकिन बाद में वीडियो सामने आई तो पति के होश उड़ गए। दरअसल अंजू ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा था कि वह जल्दी भारत वापस आएगी। हालांकि बाद में जब निकाह हुआ तो पति बुरी तरह से टूट गया। उसने वीडियो लड़की के पिता को भेजा, जिस पर उन्होंने लाचार होकर कहा कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। पिता ने हाल ही में दिए इंटरव्यू में कहा था कि वह जिस दिन पाकिस्तान गई थी वह उसी दिन उसके लिए मर गई थी। माँ के इस फैसले से बच्चों पर भी काफ़ी असर पड़ा है। बेटी काफ़ी दुखी है। अरविंद ने जानकारी दी है कि उसने अंजू को माँ मानने से इनकार कर दिया है। अगर अंजू वापस भी आती है तो वह उसे स्वीकार नहीं करेगा। इसके साथ ही अरविंद ने जब अंजू के दिमागी तवाज़ुन खराब होने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह स्टेट में रहती थी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना बड़ा कदम उठा लेगी। आपको बता दें कि पाकिस्तान के रहने वाले नसरुल्ला ने पाकिस्तानी चैनल के साथ बातचीत में कहा कि पाकिस्तान सरकार अंजू को सरकारी नौकरी के साथ साथ एक घर भी देगी। अंजू ने इस्लाम धर्म को अपना लिया है तो उसे पाकिस्तान की नागरिकता भी मिल जाएगी। वह जो कुछ भी कर रही है वो अपनी मर्जी से कर रही है। अंजू अगस्त के महीने में भारत पहुंचने वाली है और उन्हें अपने बच्चों के साथ वापस आएगी फिर दोबारा। इसके साथ ही नसरुल्ला ने शक जताया कि अंजू की हिंदुस्तान में हत्या हो सकती है। उसने कहा, अंजू ने मुझसे कहा कि अगर मैं भारत पहुंची तो मुझ पर हमला हो सकता है। वह अगस्त के महीने में भारत पहुंचेगी और बच्चों को वापस लेकर पाकिस्तान वापस आ जाएगी। इसके अलावा उसने ये भी कहा कि अगर अंजू अपने बच्चों को लेकर वापस पाकिस्तान नहीं लौटती है तो मैं खुद हिंदुस्तान जाऊंगा और उसे बच्चों के साथ वापस लौटूंगा। साथ ही उसने इस चीज़ का भी दावा किया कि बच्चों को इस्लाम धर्म में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अंजू के इस्लाम धर्म अपनाने को लेकर नसरुल्ला का कहना है कि अंजू पर कोई दबाव नहीं डाला जा रहा है। उसने 3 साल से अपने पति से अलग रह रही थी और कोर्ट में तलाक के लिए अपील की है। नसरुल्ला ने दावा किया कि बच्चों की वजह से ही अंजू भारत वापस जा रही है और वीजा खत्म होने से पहले ही पहुंच जाएगी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।